नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस क्लास में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है कोरोना बॉन्ड से संबंधित, जो अभी अब आपकी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए की मुहिम छिड़ी हुई है, तो उसी से संबंधित है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस महामारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपका कोरोना वॉन्ड है क्या, चर्चा में क्यों है और बॉन्ड से क्या तात्पर्य होता है। यूरोपीय संघ को देखेंगे, फोगल फोर बनाम प्रो बॉन्ड बॉन्ड्स विवाद के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। यूरोपीय संघ द्वारा घोषित किए गए आर्थिक उपाय भी देखेंगे, यूरो जोन देखेंगे, लाभ इसकी क्या क्या लाभ है इसके उन्हें भी देखेंगे, हानियां क्या क्या हैं उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु विश्व के लगभग सभी देशों में पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से लॉकडाउन की व्यवस्था को अमल में लाया गया। लॉकडाउन के कारण देश के भीतर होने वाला या देश एक देश का दूसरे देश से होने वाला आर्थिक संव्यवहार पूरी तरह से ठप, जिसके कारण प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। लोगों के समक्ष खाद्य और रोजगार का संकट है। संकट के इस दौर में प्रत्येक देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए विभिन्न वैकल्पिक साधनों को अपना रहे हैं। यूरोपीय संघ और यूरो जोन में भी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इन वैकल्पिक साधनों के प्रयोग को लेकर तत्पर हैं। इन वैकल्पिक साधनों में सामूहिक ऋण विपत्त अर्थात कोरोना बॉन्ड्स प्रमुख है। अब बात करते हैं बॉन्ड्स से, बॉन्ड क्या होती है आखिर। बॉन्ड एक ऋण निवेश विपत्त है जो किसी देश की सरकार या फिर कारपोरेट कंपनी द्वारा निवेशकों के लिए जारी किए जाते हैं। सरकार या कंपनी पूंजी जुटाने के उद्देश्य से बाजार से मुद्रा ऋण लेने के लिए बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड जारीकर्ता निवेशकों से ऋण में ली गई मुद्रा के बदले में निवेशकों को ऋण प्रपत्र के रूप में बॉन्ड जारी करता है। बॉन्ड जारीकर्ता निवेशक से एक निश्चित ब्याज दर पर निर्धारित समय के लिए ऋण लेता है। अगर हम लोग सरल शब्दों में बोलें तो बॉन्ड जारीकर्ता परिपक्वता की निर्धारित तिथि पर निवेशक की राशि को चुकाने का वायदा करता है और निर्धारित तिथि के लिए उधार ली गई राशि पर निवेशक को ब्याज का भुगतान भी करता है। अब बात करते हैं क्या है कोरोना बॉन्ड। कोरोना बॉन्ड यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच एक सामूहिक ऋण प्रपत्र होगा, जिसका उद्देश्य यूरोजोन देश के कोरोना वायरस पीड़ितों को वित्तीय राहत प्रदान करना है। यह यूरोपीय संघ द्वारा सभी राज्यों के सामूहिक रूप से लिए गए ऋण के साथ यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा प्राप्त निधियों को पारस्परिक रूप से जोड़ा जाएगा और आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी ने यूरो जोन देशों के बीच संयुक्त रूप से स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण जारी करने और पालन करने के लिए निर्धारित गहरी आर्थिक मंदी को दूर करने के बारे में एक तीक्ष्ण बहस को पुनर्जीवित किया है। यूरो मुद्रा का प्रयोग करने वाले 19 देशों में से 9 देशों ने सामूहिक ऋण प्रपत्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। दूसरी ओर इस तरह के सामूहिक ऋण प्रपत्र के विचार, जिसे कोरोना बॉन्ड्स कहा जाता है, को जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इन देशों के समूह को फोगल फोर कहते हैं, फ्रोगल फोर कहते हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय संघ 27 देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। ये 27 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हैं, जिससे कि व्यापार आसानी से हो सके और लोग एक दूसरे से कोई विवाद ना करें।
क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है कि जो देश आपस में जितना ज़्यादा व्यापार करते हैं उनकी लड़ाई होने की संभावना उतनी ही कम होती है। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में यह कोशिश की गई कि सभी देश आर्थिक रूप से एक साथ आएं और एकजुट होकर एक व्यापार समूह का हिस्सा बने। इसी व्यापार समूह की वजह से आगे चलकर आपका 1993 में यूरोपीय संघ का जन्म हुआ। वर्ष 2004 में जब यूरो मुद्रा लॉन्च की गई तब यह पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट हुआ। यूरोपीय संघ मस्टिच संधि द्वारा बनाया गया था जो 1 नवंबर 1993 को लागू की गई। एकल बाजार सिद्धांत अर्थात किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के कहीं भी आ जा सकते हैं एवं लोग बिना रोक टोक के नौकरी व्यवसाय तथा स्थायी तौर पर निवास कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स यूरोपीय संघ की खासियत है। बात करते हैं फ्रूगल फोर बनाम प्रो बॉन्ड्स विवाद। यूरोजोन के 9 देशों ने एक सामूहिक ऋण पत्र जारी करने का आह्वान किया था जिनमें स्पेन इटली फ्रांस बेल्जियम लग्जमबर्ग आयरलैंड पुर्तगाल ग्रीस स्लोवेनिया शामिल हैं। 9 देशों ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यूरोपीय संस्था द्वारा जारी किए गए एक सामूहिक रेट पत्र पर कार्य करने की आवश्यकता पर बल देने की बात की। यूरोजोन के 9 देशों ने सामूहिक रेट पत्र को स्वीकृति देने का निवेदन किया। वहीं यूरोजोन के अपेक्षाकृत रूप से संपन्न राष्ट्रों ने सामूहिक रेट पत्र का विरोध भी किया। इन संपन्न राष्ट्रों का मानना है कि कोरोना वायरस के कारण उनकी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो जाएगा। जबकि सामूहिक रेट पत्र का समर्थन करने वाले देशों का मानना है कि जर्मनी फिनलैंड ऑस्ट्रिया नीदरलैंड जैसे देशों ने यूरोपीय संघ से सर्वाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त किया। ऐसे में यह उन देशों का नैतिक कर्तव्य है कि वह इस संकट की घड़ी में यूरोजोन की अपेक्षा के कमजोर देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करें। सामूहिक ऋण विपत्ति का समर्थन करने वाले देशों को प्रो बॉन्ड्स कंट्री कहा गया तो वहीं इसका विरोध करने वाले देशों को फ्रूगल फोर कंट्री कहा गया। बात करते हैं हम लोग यूरोपीय संघ द्वारा घोषित किए गए आर्थिक उपाय। कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए यूरोपीय संघ ने 540 बिलियन यूरो का आर्थिक पैकेज जारी किया है। यूरोपीय संघ ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन खोलने यूरोपीय निवेश बैंक की उधार क्षमता बढ़ाने और यूरोपीय आयोग की 100 बिलियन यूरो की बेरोजगारी बीमा योजना को लागू करने का भी निर्णय लिया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 9 महीने में 750 बिलियन यूरो की राशि के साथ परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय लिया है। यूरोपीय संघ ने संपन्न सदस्य राष्ट्रों से कोरोना वायरस से अत्यधिक पीड़ित अन्य सदस्य राष्ट्रों की सहायता करने की भी अपील की है। अब बात करते हैं यूरोजोन क्या है। वर्ष 1998 में यूरोपीय संघ की 11 सदस्य राष्ट्रों ने यूरोजोन के मानदंडों को पूरा किया जिससे यूरोजोन अस्तित्व में आया। यूरोजोन का आधिकारिक शुभारंभ आपका 1 जनवरी 1999 को हुआ। यूरोजोन 27 यूरोपीय संघ सदस्यों सदस्य राष्ट्रों में से 19 राष्ट्रों का एक मौद्रिक संघ है जिसने यूरो को मुद्रा की एकमात्र कानूनी निविदा के रूप में अपनाया है। इसमें आपका ऑस्ट्रिया बेल्जियम साइप्रस एस्टोनिया फिनलैंड फ्रांस जर्मनी ग्रीस आयरलैंड इटली लातविया लिथुआनिया लग्जमबर्ग माल्टा नीदरलैंड्स पुर्तगाल स्लोवाकिया स्लोवेनिया और स्पेन शामिल हैं। बात करते हैं इसके लाभ और नुकसानों की। कोरोना वॉन्ड का लाभ यह है कि वे यूरोपीय देशों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सुविधा देंगे। कोरोना वायरस से अत्यधिक प्रभावित देश अपने
राष्ट्रीय ऋण का विस्तार किए बिना आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों द्वारा एकता के प्रदर्शन से यूरोप के सभी राष्ट्रों के बीच इस संकट से निकलने का विश्वास मजबूत होगा। हानियों की बात करें तो इसमें कोरोना बॉन्ड का एक नुकसान यह है कि यह सदस्य राष्ट्रों की आवश्यक रूप से ऋण वहनीयता की शक्ति में वृद्धि नहीं करेगा। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच एक सामूहिक ऋण प्रपत्र के कार्यान्वयन में भी बहुत समय लग सकता है। यह देरी उन देशों के लिए उचित नहीं है जिन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता। फूगल फोर देशों का किया जाने वाला विरोध यूरोपीय संघ के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ऐसे में इस आशंका को भी बल मिलता है कि ब्रिटेन की भांति कहीं अन्य देश भी यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय ना कर लें। याद रखिए, पहले 28 देश थे आपके यूरोपीय संघ में, लेकिन ब्रिटेन अलग हो गया इससे, तो अब 27 बचे हुए। कोरोना वॉन्ड को लेकर उत्पन्न विवाद मुख्य रूप से अधिकतर अधिकार व कर्तव्यों के मध्य संघर्ष का परिणाम है। जहां एक इटली जैसे राष्ट्र हैं जो इस महामारी से अधिक संकटग्रस्त हैं तथा सहायता हेतु प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी ओर जर्मनी जैसे राष्ट्र हैं जो इस संकट से कम प्रभावित हैं, परंतु अन्य देश की आर्थिक सहायता करने का बोझ स्वयं पर नहीं लेना चाहते। पूर्व में इस प्रकार की सामूहिक ऋण प्रक्रिया ब्रेग्जिट जैसे संकट को भी जन्म दे चुकी है। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर अधिक सावधानी रखी जाए। इस समय सभी राष्ट्रों को यह समझना होगा कि राष्ट्र मानवीय हितों से बढ़कर नहीं हो सकते। इस संकट को सामूहिक प्रयत्न से ही दूर किया जा सकता है। तो चलिए, यह था आपका कोरोना वॉन्ड से संबंधित आर्टिकल, ठीक है।